नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आइए आज हम सब जानेंगे बच्चों में होने वाले जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर है, जिसको हम कॉलर बोन फ्रैक्चर बोलते हैं। मेडिकल टर्म में कॉलर बोन का नाम है क्लेविकल बोन। सो क्लेविकल बोन के बारे में आज हम जानेंगे। बच्चों में तीन फ्रैक्चर जो सबसे कॉमन होते हैं वो है, एक तो कॉलर बोन का फ्रैक्चर, एक होता है एल्बो का जिसको हम सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस बोलते हैं, और एक रिस्ट का फ्रैक्चर। तो आज इस वीडियो में हम कॉलर बोन के फ्रैक्चर के बारे में जानेंगे। बच्चों में ये कॉमनली होता है बच्चे के गिरने की वजह से, फर्स्ट रीज़न। दूसरा ये होता है जन्म के दौरान, जब बच्चा का वेट ज़्यादा होता है, वो मदर के वूम से निकलता है, तो उस टाइम पे बच्चे के कंप्रेस होने की वजह से भी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो सकता है। कॉलर बोन फ्रैक्चर बेसिकली एस शेप बोन है, और ये कॉमनली तीन जगह से फ्रैक्चर होती है। एक होता है कि अंदर की, जिसको हम प्रॉक्सिमल थर्ड बोलते हैं, एक होता है मिडल थर्ड, और एक होता है लैटरल थर्ड। मोस्ट कॉमन जो ये फ्रैक्चर होता है, ये मिडल थर्ड में से होता है। और बच्चों में जो ये क्लेविकल फ्रैक्चर होता है, इसके सिम्टम्स बहुत ही मिनिमम होते हैं। अगर बच्चे को आप नहीं छेड़ेंगे तो बच्चे को इसमें कोई दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि वो जब मूव करता है तभी ये बोन हिलती है और बच्चे को पेन होता है। तो ये वाला जो पेन है, ये वाला जो फ्रैक्चर है, ये कई दिनों तक अननोटिस भी निकल जाता है, और कई बार ये ऑटोमेटिकली हील होकर बच्चा हाथ भी उठाने लग जाता है। आप लोगों को इस चीज़ का, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो आप लोगों को कैसे पता लगाना है कि हमारे बच्चे को कॉलर बोन फ्रैक्चर है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ डायरेक्ट पाल्पेशन। अगर आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको, जैसे ही बच्चे की फ्रैक्चर की जगह पे आप जाएंगे, तो बच्चे को पेन होगा और वो रोने लगेगा। दिस इज़ अ फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन इज़ बच्चा हाथ को नहीं उठाएगा। बच्चा हमेशा अपना हाथ मदर के साइड, अपने बॉडी के साइड में लगा के रखेगा। यदि आप उसको जबरदस्ती ऊंचा करेंगे तो बच्चा रोएगा। सो दिस इज कॉल्ड अ स्यूडो पैरालिसिस, मतलब जानबूझ के बच्चे को सिर्फ दर्द की वजह से वो हाथ को नहीं हिला रहा है। जैसे ही फ्रैक्चर जुड़ने लग जाएगा, ये फ्रैक्चर जो है जुड़ने लगेगा, वैसे वैसे बच्चा हाथ को ऊंचा करने लग जाएगा। सो यदि दो सिम्टम है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है और अपने एक हाथ को उठा नहीं रहा है, तो क्लेविकल फ्रैक्चर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है बच्चे में, और उसका एक्सरे करके हम आराम से कन्फर्म कर सकते हैं। अगर आप, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लेविकल फ्रैक्चर हुए तो करना क्या है। मोस्ट ईजीएस्ट फ्रैक्चर टू ट्रीट है। इस फ्रैक्चर में हमें कभी भी बोन को बोन से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों में ये फ्रैक्चर अगर थोड़ा सा टेढ़ा भी जुड़ा है, तो ये 100% ये अपने आप वापस अपना शेप ले लेता है, और इसमें किसी भी प्रकार की फैंसी सर्जरी या फिर कोई फैंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हम ज़्यादातर एक सॉफ्ट सा कॉटन लगा के रखते हैं, जिसको फिगर ऑफ एट बैंडेज बोलते हैं। वो बहुत इजीली अवेलेबल है, कस्टमाइज बन भी सकती है, और वो आप अगर 2-3 वीक्स के लिए रखेंगे तो बच्चे का जो है यूनियन को बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद लॉन्ग टर्म उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा सारे जो भी है व्यूअर्स, उनसे ये है कि आप इसके लिए कोई भी फैंसी ट्रीटमेंट ना करें। ये बोन अपने आप जुड़ती है। less than 0.001% में हमको इसमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत होती है। आप बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए कोशिश करें कि उन दिनों जब ये फ्रैक्चर हुआ है, उसके कुछ दिनों तक इसको बार बार उठाएं ना, क्योंकि जितने बार वो पोजीशन चेंज होगी, वो फ्रैक्चर में थोड़ा दर्द हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल ब्रेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉटन का सॉफ्ट ब्रेस बनाएं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी ये फ्रैक्चर अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। तीसरी, इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपको एक्सरे में बोन ऊपर नीचे भी दिखती है, तब भी ये जुड़ जाएगी, और बाद में टाइम के साथ अराउंड 6 मंथ्स या 1 ईयर का जब बच्चा होगा, तो ये अपने आप वापस शेपअप ले लेगी। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने की, वो ये है कि कई बार क्लेविकल, जो बच्चे में क्लेविकल इंजरी थी, उसके साथ अर्ब्स पाल्सी भी एसोसिएट हो सकती है। क्योंकि जब मदर के पेट में से जब बच्चा बाहर आता है, उस टाइम पे यदि अगर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो क्लेविकल इंजरी के साथ नर्व की इंजरी भी हो सकती है। उस केसेज में क्लेविकल फ्रैक्चर हील होने के बाद भी बच्चा हाथ नहीं उठाएगा। तो यदि आपके बच्चे के दोनों हैं, तो आपको 1 महीने का वेट करना है, और उसके बाद जब क्लेविकल यूजुअली 1 महीने में हील हो जाता है, उसके बाद भी अगर बच्चा हाथ नहीं उठा रहा है, तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि साथ में अर्ब्स पाल्सी हो सकता है, जो कि थोड़ा सा सीरियस इशू है, और उसको डेफिनेट स्पेशलाइज कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज जैसा हमने जाना कि कॉलर बोन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है बच्चों में, स्पेशल कोई उसका हमें ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, और बार बार एक्सरे करके देखना भी नहीं होता है कि वो लाइन टू लाइन जुड़ रही है या नहीं। ये फ्रैक्चर अपने आप जुड़ता है, और लॉन्ग टर्म इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप नॉर्मल इसको फिगर ऑफ एट बैंडेज से इसको ठीक कर सकते हैं।